हाई एवरीवान, वेलकम बैक टू माई चैनल रियल ब्यूटी। और आमी रोशनी। आज के हमार चैनल जरा प्रथम देखो ता अवश्य हमें एक लाइक कर देवे और सबसक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देवे फार्दार आपडेट्सर जो और अति अवश्य शेष अब्दि भिडियो देखें। आज के कथा बोल इन्स्टैंट ग्लोइंग फेस नहीं। प्रथम बोली क्यों क्यों मैंने भगवान आशीर्वाद ही इन्स्टैंट ग्लोइंग फेस पे जाए और मत जरा तक एकटू परिश्रम करते हैं से इनार ब्यूटी होक आउटार ब्यूटी होक। तो इन्स्टैंट ग्लोइंग फेस पावर जो कि करब प्रथम ही मैं प्रतिदिन मुखे फेसवाश करब भलोक मैं क्लिनजिंग करब क्यों ना केमिकल जुक्त कोनो किछुई आमरा यूज करब ना। और साथे कि करब घरे जदि एकटु टक दई थाके बा एकटु चालेर गुड़ो थाके कि करब मेशिने फेसटा स्क्रबर मतो करे नेब निलाम बा एकटु एलोवेरा थाकलो मुखटा फेसवाश करे निलाम। कखनोई केमिकल जातीय किछु यूज करब ना आर साबान तो मुखे लागाबोई ना। और इनार ब्यूटिर जो जेटा बोलबो कि करब मैं ड्राई फ्रूट्स खाब जलटा प्रचुर खाब वेजिटेबल्स खाब एगुलो ठीकठाक खेले ना दो दिन माने एक सप्ताह भेतरे ग्लोइंग स्किन देते हैं प्रचुर परिमाणे जलटा खाबे और घूम पर्याप्त परिमाणे रातेर घूमटा घुमाबे और टक दई पारले खाबे ताले इन्स्टैंट ग्लोइंग एकटा फेस पाबे। और आउटार ब्यूटिर जो आमरा कि करब जे आगे इनग्रेडियंट्सगुलो व्यवहार करब चलो देखे नी जेगुलो व्यवहार करे आमरा खूब द्रुत एकटा इन्स्टैंट ग्लोइंग फेस पाबो। तो चलो देखे नी। देखो एखाने आमी नियेछि काँचा दूध हलुद चालेर गुड़ो मधु और बेसन। और बेसनटा ना माने खूब पुरानो यूज करबे ना एक सप्ताह भेतर हले तबेई माने टाटका बेसन यूज करबे कारण बेसने ना अनेक समय भेमनो धरे जाए छाते धरे जाए सेजन्य बेसनटा सब समय टाटका नेयार चेष्टा करबे। एबार आमी कि करब निजे जार निजेर फेस अनुजाई नेबे हाफ चामचर मतो आमी बेसन निलाम एकटू हलुद निलाम एकटूखानि और मधु निलाम देखो और निलाम काँचा दूध निलाम दिए एकसाथे मिक्सड कर निलाम और कि निलाम एकटू चालेर गुड़ोटा मिशिए दिलाम। चलो एबार यूज कर देखे नी। देखो आमी काँचा दूध दिए प्रथमे फेसटा क्लीन करे निच्छी। तुम्हरा बाड़ीते जा थाकबे ताई दिए करबे एलोवेरा थाकले एलोवेरा दिए करते पारो मधु दिए करते पारो जा हाथेर काछे पाबे अर्थात होममेड हवा चाहिए जिनिसटा कोनो केमिकल जुक्त कोनो किछु यूज करबे ना। देखो आमी एटा क्लीन करे निलाम एबार फेस पैकटा यूज करब। ए देखो फेस पैकटा एबार आमी अप्लाई करे देखाच्छी नेबे दिए स्क्रबर मतो एरकम घोराबे दिए शुकिए जा अब्दि रेखे देवे। बेसने प्रचुर परिमाणे जिंक आछे जा स्किनेर इनफेक्शन कमाते साहाज्य करे टैन रिमूव करे डेड स्किन सेल हटिए दे अयलनेस कमाय और मधु एते आछे एंटीबैक्टेरियल एंटीसेप्टिक प्रपार्टिर जोन्नो मैला बैक्टेरिया एखाने कमाते साहाज्य करे मधु स्किन के ग्लो करे स्किन के हाइड्रेट करे और हिलिंग प्रपार्टी आछे ओइजोन्नो स्किन खूब ताड़ाताड़ि ग्लोइंग करे दे। और हलुदे एते आछे एंटीऑक्सिडेंटरी जेटा ग्लो आने नैचारे ग्लो फ्री दे हलुदे आछे सार्क्यूमिन जा काटा छेड़ा सारी दे एकेने कमाय और खूब ताड़ाताड़ि स्किन के ग्लोइंग करे दे। ना शुकनो अब्दि रेखे देबे और मोटामुटी 20 मिनिटेर ओपर राखलेई हबे। देखो आमी स्किनटा वाश करे एलाम फेस पैकटा माखार पर देखो कत ग्लोइंग लागछे जानि ना आमी माने कैमरे देखाते पाच्छी कि ना आमी निजे बुझते पाच्छी स्किन आगे चे कत ग्लोइंग लागजे कत सफ्ट लागजे। और एटा जानो आमी टोटाली करेछी राते शोवार आगे तो ताते कि हबे एकटा सुंदर घूम सुंदर सकाल देबे और सुंदर ग्लोइंग एकटा स्किन पाबो। तो अवश्यई तोमरा जदि पारो एटा राते शोवार आगे यूज करबे ताहले फलटा आरो ताड़ाताड़ि बुझते पारबे। तो आज ए पर्यन्तई आजकेर भिडियोटा जदि भालो लेगे थाके अवश्यई एकटा लाइक करबेन और सबसक्राइब कर बेल आइकनटा प्रेस कर देवे फार्दार आपडेट्सर जोन्नो जारा नतून देखछो। और खूब भालो थेको